फैमिली जो डिस्ट्रॉय हो गई थी। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। बॉडीज जिसके अंग नहीं थे और ट्रेन ट्रैक पर खून। ये एक ऐसा नजारा था जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये कहा पैसेंजर अनुभव दास ने, जो इंडिया के वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट से बच गए थे। कुछ लोगों ने रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है। जस्ट अ ट्रेजेडी, एक्ट ऑफ गॉड, हु वुड टेक द अकाउंटेबिलिटी। करीब 300 लोगों की मौत हो गई है और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक्सीडेंट के पास कई लोग जमा हुए खून डोनेट करने के लिए। प्रधानमंत्री खुद एक्सीडेंट साइट गए। गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की लॉन्च को डिले कर दिया गया। पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न्यूज मीडिया क्या कवर कर रही थी? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब सवाल यह है कि एक्सीडेंट हुआ क्यों? किसने गलती करी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ? क्या रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए? कवच सिक्योरिटी सिस्टम का क्या जो ऐसे एक्सीडेंट रोक सकता था? एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है, ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। इस वीडियो के लिए मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, इंडियन रेलवेज से, और इंडियन रेलवेज की इस एक्सीडेंट के बारे में खुद की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों। ये देखिए जो प्रधानमंत्री को एक मीटिंग में दिखाया गया, ये एक सिमुलेशन है उस ट्रेन एक्सीडेंट का जो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बहानगा स्टेशन में हुआ। इस स्टेशन में दो मेन लाइन ट्रैक्स हैं, एक का नाम है अप मेन और दूसरे का डाउन मेन। इन दोनों मेन लाइन ट्रैक्स पर दो ट्रेन्स अलग डायरेक्शंस में जा सकती हैं, और दोनों मेन लाइन ट्रैक्स के साइड में है लूप ट्रैक्स। लूप ट्रैक्स तब काम आती है जब आपको कोई ट्रेन रोकनी होती है साइड में। जैसे मान लीजिए कि एक ही दिशा में दो ट्रेन आ रही है, पर मान लीजिए एक ट्रेन ज्यादा धीरे है, तो उस ट्रेन को बोला जाएगा लूप ट्रैक पर रुकने के लिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि जो ज्यादा गति की ट्रेन है वो मेन लाइन से कट के चले जाए। 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस इस स्टेशन की मेन अप लाइन पर थी। इस ट्रेन को बंगाल में हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रेन लोअर मिडिल क्लास बंगालीज को तमिलनाडु के वेल्लोर में ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। इसी वजह से ये ट्रेन कई बार ओवरक्राउडेड भी होती है। ताकि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन में तेज गति से चले जाए, एक धीमी मालगाड़ी को बोला गया कि वो लूप लाइन में रुक जाए। इस मालगाड़ी में था आयरन ओर। उसी समय 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस जो बंगाल के हावड़ा की तरफ जा रही थी, वो मेन डाउन लाइन पर थी। इस ट्रेन में भी कई पेशेंट्स और उनके परिवार होते हैं जो व्हाइटफील्ड और पार्थी के सत्य साई हॉस्पिटल जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए। इन दोनों ट्रेन्स को इस भानगा स्टेशन में रुकना नहीं था। ताकि ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन्स उस स्टेशन पर रुके ना, असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर ने निर्णय लिया कि वो दो मालगाड़ियों को लूप लाइन में रोकने के लिए बोलेंगे। ट्रेन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, किस स्पीड से वो जा रही है और किस ट्रैक पर वो जा रही है, और ये दोनों चीजें अलग सिस्टम से चलते हैं। स्पीड की जिम्मेदारी होती है ट्रेन ड्राइवर की, जिसको कहा जाता है लोकोमोटिव पायलट। इस पायलट के सामने कई सिग्नल्स होते हैं, जैसे गाड़ियों के लिए ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसी तरह ट्रेन के लिए सिग्नल होता है, ये बताने के लिए कि लोकोमोटिव पायलट को किस गति पर चलानी है अपनी ट्रेन। ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी वो डिसाइड करता है एक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो मैनुअल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक। उड़ीसा एक्सीडेंट केस में जो सिस्टम था वो इलेक्ट्रॉनिक था। ये सिस्टम बेसिकली ट्रेन के पायलट को एक सिग्नल देता है। अगर सिग्नल ग्रीन है, इसका मतलब ट्रेन मेन लाइन से जा सकती है, और अगर येल्लो है तो ट्रेन को लूप लाइन ले ली होगी। अब पायलट को कौन सा सिग्नल दिखेगा और ट्रैक किस तरफ मुड़ी हुई है, ये दोनों सिस्टम लिंक्ड है। तो अगर सिस्टम कहता है कि ट्रेन को मेन लाइन से जाना है तो सिग्नल होगा ग्रीन, और अगर सिस्टम कहता है कि ट्रेन को लूप लाइन से जाना है तो सिग्नल होगा येलो, और अगर सिग्नल येलो होगा तो लोको पायलट ट्रेन की स्पीड कम कर देंगे ताकि वो ट्रेन लूप लाइन पर रुक सके। लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखाया गया, यानी कि ट्रेन मेन लाइन के थ्रू जाएगी, पर कुछ देर के बाद ये सिग्नल हटा दिया गया। इस ग्रीन सिग्नल के बावजूद जो ट्रैक थी वो लूप लाइन की तरफ मुड़ी हुई थी। इस चीज को लोको पायलट ने भी कंफर्म किया। रेलवे बोर्ड की मेंबर जय वर्मा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोको पायलट ने कहा कि ट्रेन आगे तभी बढ़ी जब उनको ग्रीन सिग्नल दिखा मेन लाइन के लिए। अभी पायलट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और वो अस्पताल में है। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने दिखाया कि रूट रिले पैनल पर ये दिख रहा था कि ट्रेन को मेन लाइन पर जाना था, पर जो ट्रैक का एक्चुअली स्विच था वो लूप लाइन की तरफ था। अब क्योंकि स्पीड का सिग्नल ग्रीन था, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का पायलट था वो ट्रेन फुल स्पीड पर चला रहा था, 128 किलोमीटर पर आवर। इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस
जो मेन अपलाइन पर थी वो यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो मेन डाउनलाइन पर थी वो एक दूसरे को पीछे छोड़ देते हैं। पर क्योंकि स्विच लूप की तरफ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप पर घुस गई एकदम हाई स्पीड से। जो ट्रैक के ये स्विचेस होते हैं ये इतनी हाई स्पीड ले नहीं होते, जब आप लूप में घुसो तो आपकी स्पीड बहुत धीमी होनी चाहिए। पर क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड बहुत तेज थी इस लूप में, वो ट्रेन डीरेल हो गई और जो रुकी हुई मालगाड़ी थी उसके पीछे टकरा गई। इस मालगाड़ी में था आयरन ओर। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं। इसी वजह से जो फ्रंटल इम्पैक्ट था वो बहुत ही बड़ा था, जिसकी वजह से कई लोगों की जाने गई। अब याद रहे कि कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई थी इतनी हाई स्पीड की वजह से। 20 मिनट बाद यशवंतपुर एक्सप्रेस के आखिरी 3 कोचेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 कोचेस एक दूसरे के साथ भिड़ गए, जिसकी वजह से और लोग मारे गए। सुधांशु मणि, जिनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया की वंदे भारत ट्रेन बनाने में, उन्होंने कहा कि एक ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सकता कि ट्रेन किस ट्रैक पर है, ये ट्रैक ही डिसाइड करती है कि ट्रेन कहाँ जाएगी। कई रेलवे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाखों बार यूज होता है इंडिया में डेली, तो इस बार इसमें क्या चूक पड़ गई। पर चूक क्या इस बार ही हुई है कि क्या चूक होती रहती है, पर इस बार दुर्घटना हुई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे SB मोहंती, उस एक्सीडेंट साइट से भाग गए। ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि अब उनकी जान को खतरा है। अगर हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की माने तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की कोई गलती नहीं थी। रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जो एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी ट्रेन ट्रैक पर जाएगी। जया वर्मा सिन्हा, जो रेलवे बोर्ड के मेंबर है, वो कहते हैं कि ये सिस्टम एरर प्रूफ है। इट इज सपोज टू बी एरर प्रूफ। कहा जाता है अगर ये सिस्टम फेल भी हो जाए तो सिग्नल रेड हो जाना चाहिए ताकि लोकोमोटिव पायलट अपनी ट्रेन रोक दे। वो कहते हैं कि इस सिस्टम को कोरोमंडल एक्सप्रेस को कभी लूप लाइन में लेना ही नहीं चाहिए था। एक रेलवे एक्सपर्ट ने कहा कि ये सिस्टम लाखों बार यूज किया जाता है हर दिन इंडिया में, तो फिर क्यों ये सिस्टम इस बार फेल हो गया। और उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ। 2005 में गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में साबरमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी में क्रैश कर गई थी जब उसको गलती से लूप लाइन में ले लिया गया, पर आज तक हमें ये पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। और जया वर्मा कहती हैं, सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहां पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर 1.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। एक चीज हमें ये याद रखनी चाहिए कि जो दोनों एक्सप्रेस ट्रेन थी वो नई तरीके की ट्रेन थी, उनमें थे नए LHB कोचेस। LHB जर्मन कोचेस है जिनकी सेफ्टी बेहतर है, जबकि ICF पुराने कोचेस है जिनकी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं है। LHB कोचेस में एक एंटी टेलीस्कोपिक सेफ्टी डिजाइन है, जिससे क्या होता है अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी ट्रेन का तो पीछे के कोचेस आगे के कोचेस से अलग हो जाते हैं ताकि पीछे के कोचेस का इम्पैक्ट ना हो और वो भी एक्सीडेंट में शामिल ना हो। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इस एक्सीडेंट में कई लोगों की जान बची। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो सारे कोचेस एक्सीडेंट की तरफ चले जाते और एक के ऊपर एक आ जाते, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। एक सर्वाइवर ने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया, मेरा हाथ में लगा इधर, और जब मैं ट्रेन बोगी से निकला तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपरा बिगड़ गया है। कई लोग ये दावा लगा रहे कि कवच सिस्टम का क्या हुआ जिसको इंडियन सरकार ने धूमधाम से लॉन्च किया था। कवच सिस्टम उन दोनों ट्रेन्स में नहीं था जो इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। रेलवे मिनिस्टर ने तो ये तक कहा कि अगर वो सिस्टम इंस्टॉल भी होता तो वो इस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता था। क्यों, इसके बारे में जानते हैं। ये है कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत 2.0 ट्रेन में लगाया गया था। ये एक मेक इन इंडिया सेफ्टी सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में 0 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए। इस सिस्टम को डेवलप किया गया था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। रेलवेज का दावा है कि कवच सबसे सस्ता SIL-4 सिस्टम है, सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4, और इस सिस्टम में एरर होने की संभावना 1 है 10,000 सालों में, मान लो नामुमकिन। रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि ये एक गेम चेंजर होगा रेलवे सेफ्टी के लिए। System called Kavach, if you compare with the current European system which is ETCS level 2, this is better than level 2 and comparable to level 3
लेवल 3 वेरी फ्यू कंट्रीज आर देयर। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है एक ट्रेन में दो सिचुएशंस में, अगर वो ट्रेन रेड लाइट पर रुकती नहीं है और अगर वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने वाली है। ये सिस्टम तभी काम करता है जब दोनों ट्रेन में ये सिस्टम हो। इस साल रेलवे मिनिस्टर ने सिस्टम को टेस्ट भी किया जब उन्होंने दो टेस्ट ट्रेन्स को एक दूसरे की ओर चला दिया। इस सिस्टम ने दोनों ही ट्रेन्स को 40 मीटर दूर रोक दिया। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है। ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। पर रेलवे मिनिस्टर ही नहीं, रेलवे एक्सपर्ट सुधांशु मानी का भी मानना है कि कवच सिस्टम उड़ीसा के एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता था। वो कहते कि कवच सिस्टम तब रोक सकता है जब ट्रेन रेड लाइट को क्रॉस कर रही है या फिर दूसरी ट्रेन से टकराने वाली है। ये सिस्टम ट्रैक को नहीं बदल सकता। उड़ीसा के केस में ट्रैक ही लूप लाइन की तरफ चली गई थी। अब आप पूछोगे जब वो लूप लाइन की तरफ चली गई थी और मालगाड़ी से टकराने वाली थी तब तो ये सिस्टम काम कर सकता था ना। पर जब तक वो ट्रेन लूप लाइन में आ गई थी तब उस ट्रेन के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो मालगाड़ी से पहले रुक जाए। हमें ये समझना चाहिए कि वो ट्रेन 128 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही थी। इस वजह से लूप लाइन में घुसने के बाद रोकना उस ट्रेन को शायद नामुमकिन था। अभी कवच सिस्टम को हाई डेंसिटी रूट्स पर लगाया जा रहा है, जैसे वो रूट्स जो इंडिया के 5 बड़े सेंटर्स चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और गुवाहाटी को कनेक्ट करते हैं। पर हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि कवच सिस्टम से सारी जाने बच जाएंगी। इस चीज के लिए देखते हैं CAG, इंडियन रेलवेज और NCRB की रिपोर्ट्स। NCRB के हिसाब से पिछले 10 सालों में 2,60,000 लोगों की मौत हुई है ट्रेन एक्सीडेंट्स में। पर अगर आप हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड दूसरे देशों से कंपेयर करोगे तो वो इतना बुरा नहीं है। जैसे 2019 में इंडिया की एक्सीडेंट रेट पर बिलियन ट्रेन किलोमीटर थी 0.5, जबकि जर्मनी की थी 0.45 और फ्रांस की 0.25। और कई सालों से ये सिचुएशन बेहतर ही हो रही है। पिछले 20 सालों में सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। या 1995 में 398 सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, इस साल बस 48 हुए हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग मारे नहीं जा रहे इन एक्सीडेंट्स में। 2021 में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी ट्रेन एक्सीडेंट्स में। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उससे पहले हमें ये समझना होगा कि लोगों की मौत होती कैसे है। NCRB रेलवे की एक्सीडेंट डेथ्स को 5 कैटेगरीज में डालती है। 2018 में 13 स्कूल बच्चों की मौत हो गई थी एक रेलवे क्रॉसिंग में गोरखपुर के पास। एक स्कूल वैन ड्राइवर एक क्रॉसिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था जिसका उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उन बच्चों की जान चली गई। और इनफैक्ट इसी तरह मोस्ट लोगों की मौत होती है ट्रेन एक्सीडेंट्स में। मोस्ट लोगों की मौत तब नहीं होती जब दो ट्रेनें टकराती हैं, जबकि एक ट्रेन जब वो गाड़ी या फिर लोगों से टकराती है। 2021 की NCRB रिपोर्ट के हिसाब से 16,000 में से 11,000 से ज्यादा लोग तब मरे जब वो ट्रेन से गिर गए थे या फिर जब एक ट्रेन उनसे टकरा गई थी। उन बच्चों की मौत हुई क्योंकि वो एक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर थे, एक ऐसी क्रॉसिंग जहाँ कोई भी आदमी नहीं होता ये बोलने के लिए कि भैया अभी क्रॉसिंग मत करो ट्रेन आने वाली है। 2015 में 28% ट्रेन एक्सीडेंट्स ऐसी ही क्रॉसिंग्स पर होते थे। पर इनफैक्ट BJP सरकार ने इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व किया है। जब मोदी सरकार 2014 में आई तब इंडिया में करीब 9,000 अनमैन्ड क्रॉसिंग्स थी ब्रॉड गेज लाइंस पर। ये वो लाइंस होती है जो हमारी रेलवेज में मोस्टली यूज करी जा रही है। 4 साल में मोदी सरकार ने या तो 5,500 क्रॉसिंग्स पूरी हटा दी, यानी कि अब लोग उस क्रॉसिंग को पार ही नहीं कर सकते थे, या फिर उन्होंने आदमी लगा दी उन क्रॉसिंग्स पर लोगों की देखभाल करने के लिए। इसका मतलब था कि 2019 तक 3,500 क्रॉसिंग्स बची थी। 2019 में 6 महीने में रेलवे मिनिस्ट्री ने इन सारी क्रॉसिंग्स को या तो एलिमिनेट कर दिया यानी कि खत्म कर दिया या फिर उनको वापस मैंड कर दिया। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल पहले ही 11,000 लोग मरे थे क्योंकि वो ट्रेन से गिर गए या फिर ट्रेन उनसे टकरा गई। मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इन सारी सरकारी रिपोर्ट्स में कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर 16,500 में से करीब 5,000 लोग अदर्स की वजह से मरते हैं और NCRB के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अदर्स है क्या। 86 लोग मरे क्योंकि ट्रेन टकरा गई एक दूसरे से, और ये यूजली होता है जब पायलट को रॉन्ग सिग्नल दे दिया जाता है या फिर वो बहुत थके हुए होते हैं। पर अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एक्चुअली हर ट्रेन पर है और ढंग से यूज हो रहा है तो ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए। और फाइनली 22 लोग मरे क्योंकि ट्रेन डीरेल हो गई यानी ट्रेन पटरी से बाहर चली गई। ये यूजुअली तब होता है जब ट्रेन या फिर ट्रैक की मेंटेनेंस नहीं करी जा रही हो।
अभी सवाल ये है कि इंडियन रेलवे जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो इन चीजों को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही, और इसको समझना बहुत ही आसान है। हाँ, एयरप्लेन्स बेसिकली रेलवे इतना पैसा नहीं कमा पा रही। जैसे 2017 में एक राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष जो एक फंड था रेलवे को मेंटेन करने के लिए वो बनाया गया था। इस फंड में 1,00,000 करोड़ रुपए का पैसा था, पर एक कंडीशन थी कि रेलवे को हर साल 5,000 करोड़ रुपए खुद देने होंगे अपने रेवेन्यू से। पर प्रॉब्लम यह है कि रेलवे के पास खुद ही पैसा नहीं है इस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। 2021-22 में रेलवे का 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, और इसके पीछे कई प्रॉब्लम्स है। पहली बात है कि एक्चुअली पैसेंजर रेलवे के कम हो रहे हैं। पैसेंजर किलोमीटर 2017 में 11,27,000 से बस 5,90,000 हो गए 4 सालों में। अब आप बोलोगे कि अगर पैसेंजर कम हो गए तो प्राइसेस बढ़ने चाहिए, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि इंडियन रेलवेज का ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी लोग रेलवेज को यूज कर सकें, इसलिए प्राइसेस कम ही रहते हैं। रेलवेज के एक फॉर्मर चीफ इंजीनियर ने कहा कि पैसेंजर ट्रैफिक कम हो रहा है ट्रेन पर क्योंकि लोग फास्टर ऑप्शंस जैसे बाय रोड या फिर बाय एयर जाना चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि रेलवेज अगर पैसेंजर से नहीं कमा रहा तो फ्रेट से कमा ले, मालगाड़ियों से कमा ले, पर उसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि जो रेट है 2017 और 2021 के बीच वो भी उल्टा कम हुआ है। तो बेसिकली रेलवे के पास पैसा नहीं है, जिससे एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मुंबई के एक सेंट्रल रेलवे टिकट बुकिंग ऑफिस के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं डबल शिफ्ट काम कर रहा हूँ 16-16 घंटे के, क्योंकि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है जो मेरी पोजीशन ले सके और मैं ब्रेक ले सकूं। इसीलिए इस एम्प्लॉय ने कहा कि वो अपने लॉ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है ताकि उसको डिपार्टमेंट के लीगल सेक्शन में ट्रांसफर मिल जाए और उसे 16 घंटे लगातार काम ना करना पड़े। ये सिचुएशन कई रेलवे एम्प्लॉयज की है। ट्रेन के पायलट्स को भी कई घंटे काम करना पड़ता है। संजय पांडे जो इंडियन रेलवे लोको रनिंग मैन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और फंडिंग तो इश्यूज है ही, पर इसके अलावा लोको पायलट्स पर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि वो ज्यादा ट्रेन कम टाइम पर चलाएं। और ये भी मत आप सोचना कि रेलवे का स्टाफ मेहनती नहीं है, उल्टा अगर आप प्रोडक्टिविटी देखोगे तो इंडियन रेलवे स्टाफ की फ्रांस और जर्मनी के स्टाफ से भी ज्यादा है। समस्या यह है कि इतने लोग नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में। एक रिपोर्ट ने दिखाया कि सेफ्टी स्टाफ में 16% की शॉर्टेज थी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली दो चीजें हैं। फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि बेसिकली सरकार को रेलवेज में इन्वेस्टमेंट करनी होगी बिना रेलवे के पैसे पर निर्भर करके। रेलवे के खुद के पैसे पर निर्भर करना नामुमकिन है। फिर दूसरा सोल्यूशन है प्रायोरिटी बदलना। दिनेश त्रिवेदी कहते हैं कि रेलवेज का अब फोकस वाईफाई और केटरिंग पर चले गए जबकि वो बेसिक ऑपरेशंस भूल गए। ऐसा ही कहना एक फॉर्मर रेलवे के इंजीनियर का जो कहते हैं कि हम पैसा लगा रहे हैं नई ट्रेन्स लॉन्च करने में पर सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर ध्यान नहीं जा रहा है। इसका रिसेंट एविडेंस भी मिला है। कुछ ही दिन पहले रेलवे मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई थी और एक ऑफिशियल ने बताया कि सेफ्टी पर बहुत कम डिस्कशन हुआ जबकि ज्यादा डिस्कशन वंदे भारत ट्रेन्स और रेवेन्यू बढ़ाने में हुआ। क्या हमें वंदे भारत ट्रेन की जरूरत है? हाँ, ऑफ कोर्स हमें जरूरत है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मोस्ट लोग इंडिया के वंदे भारत पर ट्रैवल नहीं कर रहे बल्कि वो हॉस्पिटल एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स पर ट्रैवल कर रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोगों ने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि जब वो ट्रेन पर चढ़ेंगे तब उनकी एक बहुत बड़ी मेडिकल सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। इस एक्सीडेंट के दौरान कुछ न्यूज चैनल्स हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और कुछ न्यूज चैनल्स पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, जबकि एक्सीडेंट की साइट के पास लोग खून डोनेट कर रहे थे। अब क्या रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है नहीं। अगर आप उनकी क्वालिफिकेशंस देखें तो वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड होंगे हमारे देश में इस नौकरी के लिए। वो IAS भी रह चुके हैं और सीमेंस और GE ट्रांसपोर्टेशन जैसी कंपनीज में काम भी कर चुके हैं। पर क्या इसका मतलब है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए, पर इमीडिएटली नहीं। हमें ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या उनको मालूम था कि ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसके बावजूद क्या उन्होंने स्टेप लिया या फिर नहीं। और फाइनली हमें ये देखना चाहिए कि इस एक्सीडेंट के बाद उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो चीज ठीक करने की कोशिश कर भी रहे या फिर नहीं। पर अगर हमें लगता है कि एक्सीडेंट से पहले उन्होंने ढंग से काम नहीं किया या फिर एक्सीडेंट के बाद भी नहीं किया तो जरूर उनका रेजिग्नेशन हमें मांगना चाहिए। पर मैं नहीं मानता कि एक क्वालिफाइड मिनिस्टर को रिजाइन करने पर मजबूर करना चाहिए हमें ऐसी इन्वेस्टिगेशन के बिना, इस वजह से कि हमें उनकी सरकार नहीं पसंद। मैं नहीं मानता कि इससे हमारे देश और हमारे देशवासियों को इससे फायदा मिलेगा।